तो आज मैं आपके समक्ष जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें भूगोल विषय से संबंधित एक प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूँ। और यह जो प्रश्न है यह भूगोल में आपको भारत का भौतिक भूगोल और मानव भूगोल शीर्षक के अंतर्गत आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सिलेबस में दर्ज कराया गया है, जिसमें प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन जैसे उपशीर्षकों का भी उल्लेख है, जिसे आपके सिलेबस में समाहित किया गया है। तो इन छोटे छोटे बिंदु बिंदुओं पर किस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसी को आप तक साझा करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो एक प्रश्न मैंने इसी प्राकृतिक प्रकोप से जुड़े हुए में, एक जो चक्रवात है जिसे मैं नेचुरल कैलामिटी या प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं हम लोग, उससे कैसे नवोदित प्रश्न पूछे जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में, आप उसे सुनेंगे और उसकी व्याख्या में कितनी व्याख्या संतुलित होनी चाहिए और किस तरह से इन्वेस्टिगेटिव खोजी प्रवृत्ति आपकी व्याख्या में दिखनी चाहिए, इसका समावेश आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक तरह से गाइड करने की कोशिश की है। तो सर्वप्रथम उस प्रश्न को सुने आप जो चक्रवात से संबंधित है। ऐसा प्रश्न संभावित हो सकता है कि क्या कारण है कि भारत का पूर्वी तट इसके पश्चिमी तट की अपेक्षा चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं, और ऐसे चक्रवातों के जनन में हिंद महासागर तटीय संरचना की क्या भूमिका है। तो यदि आप प्रश्न को देखते हैं तो यह प्रश्न दो खंडों में प्रतीत हो रहा है। पहले खंड में आपसे पूछा जा रहा है, उन कारणों की व्याख्या मांगी जाएगी कि क्या कारण है कि भारत का पूर्वी तट इसके पश्चिमी तट की अपेक्षा चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है, और दूसरे खंड में ऐसे चक्रवातों के जनन में हिंद महासागर के तटीय संरचना की क्या भूमिका है। तो जब ऐसे कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आपकी व्याख्या में कुछ शीर्षक होने चाहिए और एक तरह से क्रमबद्धता कैसे मिले पूरी वाक्य को, पूरे व्याख्यान को, उसमें सर्वप्रथम आप क्या लिखेंगे कि चक्रवात का एक संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। उसके बाद पश्चिमी तट के दूसरे बिंदु में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट का चक्रवात की घटनाओं में जो अधिकता बताई गई है उसके कारणों की व्याख्या करेंगे, और तीसरे हिस्से में चक्रवातों की उत्पत्ति में हिंद महासागर की जो भूमिका है आप इसका व्याख्यान दें। मतलब जो प्रश्न की जो डिमांड है, जो नीड है, आपको उससे बाहर जाना नहीं है, है ना। पूरी व्याख्या आपके उस प्रश्न के इर्द गिर्द ही घूमती रहनी चाहिए ताकि परीक्षक को यह लगे कि यह व्यक्ति या अभ्यर्थी जो है इन्होंने दिशाहीन प्रस्तुति नहीं दी है। तो चलिए इसकी व्याख्या को हम लोग बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। आप लिखते हैं कि भारत प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवातों और भूस्खलनों के लिए सुभेद्य माना गया है, और अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से भारत तथा राज्य सरकार के कुल राजस्व का 12% तक की क्षति होती है। आगे आप लिखते हैं अगले पैराग्राफ में कि यद्यपि भारत का संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है, परंतु पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक सुभेद्य प्रतीत होता है। बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर और नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार कर जाता है, तथा इसी समय पश्चिमी तट की बात करो
तो अरब सागर में विकसित चक्रवातों का 25% पश्चिम तट को पार कर जाता है। और इसके कई कारण हैं, ये जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं इसके कई कारण हैं, तो इन्हीं कारणों को अब आप अपनी व्याख्या में स्थान देने जा रहे हैं। आप लिखते हैं, उन कारणों में प्रथम कारण है सागरी सतह का तापमान, यह भी एक मुख्य कारण है। तो आप लिखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श तापमान माना गया है, और यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करने में सक्षम भी है। और चूंकि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरी सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है, अतः चक्रवातों की उत्पत्ति भी उधर अधिक होती है। तो ये प्रथम बिंदु पर आपकी व्याख्या हो गई, सीमित व्याख्या हो गई। अगले कारण में अगला कारण आप शीर्षक से देते हैं, वायु की अपरपणता। तो वायु की अपरपणता वायु की गति के परिवर्तन को कहा जाता है, और यह दो प्रकार की होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वायु अपरपण अक्षांशों के साथ वायु की गति में परिवर्तन तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के साथ वायु की गति में परिवर्तन से संबंधित है। चूंकि ये बातें मैं जो बता रहा हूं वो भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित है, इसलिए जो भी छात्र जिन्होंने भूगोल विषय को विधिवत पढ़ाई की है उन्हें इस अब ये व्याख्या सटीक प्रतीत हो रही होगी। आगे आप लिखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, और यह अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में निम्न होता है। तो यही कारण है कि आपको पूर्वी तट पर जो चक्रवात होते हैं ये पश्चिमी तट के चक्रवातों की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं। तो मैंने अभी तक दो कारणों की व्याख्या कर दी, अब चलते हैं हम लोग तीसरे कारण की व्याख्या करते हैं। तो तीसरा शीर्षक आप क्षारता शीर्षक से अपनी बात को ले चलेंगे, अर्थात बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक नदियां अपना जल प्रदान करती हैं, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में जो क्षारता है वो अरब सागर की क्षारता से कम है। यह वाष्पीकरण की दर भी तीव्र है, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में एक तरह से अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद अब नए बिंदु की ओर चलते हैं, नए कारणों की तलाश में। अगला शीर्षक आता है हमारे समक्ष, दक्षिणी चीन सागर के द्वारा अतिरिक्त आर्द्रता की आपूर्ति। इस पर भी आपकी दृष्टि जानी चाहिए, अर्थात दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न टाइफून बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को तुलनात्मक तरीके से अधिक प्रभावित करता है, जबकि अरब सागर के संदर्भ में अगर देखें तो ऐसी बात वहां प्रतीत नहीं होती है। तो कारणों की व्याख्या की कड़ी में अंतिम व्याख्या होनी चाहिए चक्रवातों की दिशा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में उत्पन्न चक्रवातों की जो दिशा होती है वह उत्तर पश्चिम की ओर होती है, अतः वास्तव में वे भारत के मुख्य भूमि से दूर जा रहे प्रतीत होते हैं। तो स्वाभाविक है कि यह स्थिति पूर्वी तट से कमतर होगी। तो इतनी व्याख्या में आपने प्रथम खंड की व्याख्या को अंजाम दे दिया। अब आप अपने इस प्रश्न के दूसरे हिस्से में आते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति में हिंद महासागर के तटीय संरचना की भूमिका क्या है। तो अब इस हिस्से की व्याख्या इन शीर्षकों या जिन बातों से होकर गुजरनी चाहिए, अब आप वहां लिखते हैं कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर के मुकाबले अधिक स्तरीकृत है, पूर्वी तट पर पश्चिमी तट पश्चिमी घाट की तरह ऊंची और सतत पर्वत श्रृंखलाओं का अभाव है, अतः अवरोध की अनुपस्थिति भी चक्रवातों में अधिक उग्रता प्रदान करती है।
आगे आप अगले बिंदु पर लिखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में लवणता की मात्रा कम होने के कारण सतह का जल आसानी से ऊपर उठने लगता है, है ना। और भूमिकाओं में यदि आप हिंद महासागर के तटीय संरचना की भूमिका पर अगली नज़र दौड़ाते हैं तो आपको आपकी व्याख्या में अगला पॉइंट आना चाहिए कि पूर्वी अफ्रीका में पर्वतों की उपस्थिति के कारण अरब सागर में पवन की गति तेज होती है। मतलब यहाँ पर मैं इस संदर्भ में ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि जब भी किसी स्थान विशेष पर कोई भौगोलिक घटनाक्रम कोई भौगोलिक घटना घटित होती है तो उसका क्षेत्रीय प्रभाव के साथ साथ वैश्विक प्रभाव भी दिखाई देता है। इसलिए मैंने यहाँ कहा कि पूर्वी अफ्रीका में पर्वतों की उपस्थिति के कारण अरब सागर में पवन की गति तेज होती है तथा सतह से प्राप्त ऊष्मा को यह शीघ्रता से दक्षिण की ओर गहरे समुद्र तक पहुंचा देती है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर पवन धीमी गति से चलती है और यह सतह से प्राप्त ऊष्मा को आसानी से हटा नहीं पाती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक भौगोलिक कारण या भूमिका के संदर्भ में दिखाई दिया। इतनी व्याख्या के बाद आप अंत में अपनी बात को समाहित करने की कड़ी में लिखेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि अरब सागर में चक्रवात की घटना होती ही नहीं है, है ना। वास्तव में जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों में बारंबारता अधिक अनिश्चित सी हो गई है, अतः कहा जा सकता है कि चक्रवात से होने वाले नुकसान में भी अब काफ़ी वृद्धि सी हो गई है। तो ये व्याख्या जो मैंने बताया उसमें हिंद महासागर के तटीय संरचना के क्षेत्र की भूमिका का भी व्याख्या संपन्न हो गया। तो जो प्रश्न की जो नीट थी उसकी व्याख्या यहाँ पर अपने आप को आकार पाती हुई दिख गई। यदि आप इतनी व्याख्या देते हैं तो निसंदेह आप परीक्षक को संतुष्ट कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको जो ज्योग्राफी से भूगोल से इस प्रश्न की व्याख्या तक पहुंचाया, आपको उम्मीद करता हूं आपको ये व्याख्या सटीक और संतुलित और अनुशासित प्रतीत हुई होगी। अगले प्रश्न की व्याख्या के साथ मैं बहुत जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।